हेलो गाइस, विधि फैशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको अफगानी सलवार की कटिंग व स्टिचिंग बताएंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए, ये हमने इसके लिए 3 मीटर कपड़ा लिया है। ये हमारा मेजरमेंट है। हमारी सलवार की लंबाई 39 इंच है। हम 3 प्लस कर लेंगे, ये 42 इंच हो जाएगा। और हमारी बेल्ट 7 इंच है, मोरी 5 इंच होगी। हमने ये इसमें से माइनस कर लिया है, 30 इंच बच जाएगा। ये देखिए, ये हमने कपड़े की तरह एक कागज़ लिया है, इसको 4 लेयर में फोल्ड कर लेंगे। देखिए, हमने इस पर निशान लगाया है। ये हमारा निशान आसन का होगा। और ये नीचे लंबाई का निशान लगा लेंगे। देखिए, हमने अपने कपड़े को इस तरह फोल्ड किया है और हमने इस पर 9 इंच के आसन का निशान लगाया है। और अंदर की तरफ 2 इंच का निशान लगा लेंगे और ऊपर भी 2 इंच का निशान लगाएंगे। दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। और अब हम इसे गोलाई में सेफ देंगे। और हम इस पर लंबाई का एक निशान लगाएंगे। हमारी लंबाई 30 इंच है। और अब हम दूसरी तरफ भी 30 इंच पर निशान लगाएंगे। और दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। और अब हमने जो निशान लगाए थे उनके साथ साथ काट लेंगे। ये देखिए, ये हमने आसन काट लिया है। और अब हम इसकी लंबाई को भी काट लेंगे। और अब हम इनको अलग-अलग कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने इसको 4 लेयर में फोल्ड किया था। और ये हमारे अलग अलग पार्ट हो गए हैं। और ये हमारे आसन हैं। ये हमने बेल्ट के लिए कपड़ा लिया है। हमारी बेल्ट 7 इंच की थी, तो हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। हमारी बेल्ट की चौड़ाई 21 इंच है। हम इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हम इन निशानों के साथ साथ अपनी बेल्ट को काट लेंगे। ये हमारा आसन है। और हम इस पर सिलाई लगाएंगे। हम इस पर डबल सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, हमने दोनों आसनों पर सिलाई लगा ली है। ये हमारी बेल्ट है। हमारी बेल्ट के ये अलग अलग पार्ट हैं, इनको आपस में मिला लेंगे। और इनके किनारे पर सिलाई लगाएंगे। हम अपनी बेल्ट पर भी डबल सिलाई लगाएंगे। ये हमारी बेल्ट का दूसरा सिरा है। हम इस पर नाड़ा डालने के लिए जगह बनाएंगे। ये देखिए, हम इसको त्रिकोण शेप में फोल्ड करके इस पर सिलाई लगाएंगे।
अब हम इसको 1 इंच तक मोड़ लेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए ये हमारी बेल्ट तैयार है। हम पीछे एक सर्कल बनाएंगे और उस पर निशान लगाकर काट लेंगे, थोड़ा सा कट करेंगे। और अब हम इसमें चुनटे डालेंगे। हम सलवार को बीच सेंटर में रखेंगे और जो हम नॉर्मल सलवार में चुनटे डालते हैं उससे अलग चुनटे डालेंगे। ये हमारी उल्टी साइड होगी। हम 1-1 इंच की दूरी पर चुनटे डालेंगे। हमारी सारी चुनटे इसी तरह होंगी। इसमें हम पीछे वाले सेंटर तक चुनटे डाल लेंगे। ये देखिए ये हमारा बीच सेंटर है। और अब हम इस सेंटर से दूसरी तरफ उल्टी साइड चुनटे डालेंगे। हमारी ये चुनटे पूरी बेल्ट में होंगी। ये देखिए हमने आगे वाले सेंटर तक इसमें चुनटे डाल ली हैं। और अब हम बाहर की तरफ इन पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमारी चुनटें बिल्कुल एक जैसी हैं। ये हमारी सलवार की मोरी है। और अब हम इस पर 6 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि हमारी मोरी 6 इंच की है। और ऊपर भी 6 इंच पर निशान लगाएंगे और हमारी मोरी की लंबाई 5 इंच है। हम इसकी दूसरी तरफ भी 6-6 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारी सलवार है। अपनी मोरी को उल्टा रखेंगे और जो निशान लगाया था उससे चुनटे शुरू करेंगे। जो हमने ऊपर चुनटे डाली थी उसी शेप में नीचे भी 1-1 इंच की दूरी पर चुनटे डालेंगे। ये देखिए हमने 1 इंच पर चुनट डाली है और हम सारी चुनटें इसी तरह डाल लेंगे। हम आगे वाले निशान तक इसी तरह चुनटें डाल लेंगे। ये देखिए ये हमने इस पर चुनटें डाल ली हैं। और अब हम इसके बाहर की तरफ एक सिलाई लगा लेंगे। हमने जो अंदर रफ सिलाई लगाई थी उसको निकाल लेंगे। देखिए हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया है और हम जो 6 इंच पर निशान लगाए थे उन निशानों को पक्का कर लेंगे। हम अपनी मोरी के ऊपर वाले हिस्से से इसकी अंदर की सिलाई लगाएंगे। और अब हम अपनी सिलाई को दूसरी मोरी के ऊपर वाले हिस्से तक लगा लेंगे। हम इसको डबल लगा लेंगे।
ये देखिए हम इस पर हुक लगाएंगे, तो उसके लिए हम इसको 6 इंच तक फोल्ड कर लेंगे और इस पर निशान लगाएंगे। ये हम 1-1 इंच की दूरी पर अपने हुक के लिए निशान लगाएंगे। हम इसके एक हिस्से को डबल फोल्ड करके इस पर तुरपाई लगाएंगे और अब हम इस पर हुक लगाएंगे। देखिए हमने इस पर सारे हुक लगा लिए हैं और अब हम दूसरी तरफ भी इसी तरह निशान लगाकर हमारे निशान बिल्कुल सामने होंगे इनके। हम आई वाले हिस्से को ऐसे ही छोड़ लेंगे और अब हम इस पर आई बनाएंगे। ये देखिए ये हमने इस पर आई बना ली है और अब हम इसी तरह अपनी सारी आई बना लेंगे और अब हम पीछे की तरफ बटन भी लगा लेंगे। ये देखिए हमारी सलवार कितनी अच्छी बनी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये देखिए हमारी सलवार की मोरी भी कितनी सुंदर है और पीछे की तरफ बटन लगाने से कितना अच्छा लुक आया है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।